इस मंदिर का कोई इतिहास जो बुजुर्ग रहे हम लोगों के उन्होंने कभी कोई नहीं बताया। जब यहाँ गांव भी नहीं था तब भी ये मंदिर यहीं था, गांव पीछे दूसरी जगह बना था। कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र है 65 वर्ष। अच्छा, तो काफ़ी प्राचीन मंदिर है। ये बौद्ध मंदिर है, बौद्ध की मूर्ति भी है खंडित, मुस्लिम आक्रांताओं ने सारा तोड़ तोड़ के बराबर कर दिया है। शंकर जी भी का मूर्ति है, शंकर जी की मूर्ति भी तोड़ दी है, लिंग है शंकर जी का, उसको भी तोड़ ताड़ दिया है। जलहरी जो होती है पानी निकालने वाली, उसको भी दो टुकड़े कर दिए। सब ये सब टुकड़े टुकड़े है, देखिए सब टुकड़े टुकड़े है, सब तोड़ दिया, सब मुस्लिम आक्रांताओं ने तोड़ा। मतलब बहुत ही प्राचीन मंदिर है, कहने का तात्पर्य ये है। आप समझिए, बौद्ध की मूर्ति यहाँ टूटी हुई रखी है, निचला हिस्सा पता भी नहीं है, उठा ले गए क्या किया क्या नहीं। ये गौतम बुद्ध की मूर्ति है, यहाँ कोई बौद्ध है ही नहीं। गौतम अशोक के समय की मूर्ति है। तो ये आपका मानना है कि ये मंदिर भी अशोक के जमाने का मंदिर? हाँ, हमारा तो यही मानना है। अच्छा, आपके पूर्वजों से भी पहले ये मंदिर था यहाँ पे स्थापित? था, पूर्वज लोग, पूर्वजों ने हमारे ये बताया है कि हमको मालूम ही नहीं है, जब भी देखा है तो मंदिर जंगल था, जंगल था, जंगल में मंदिर, और ये जंगल में ही मंदिर बना हुआ था। पहले यहाँ बस्ती नहीं थी, बस्ती बहुत दूर थी, कम से कम 2-3 किलोमीटर दूर थी। जब वहाँ कहीं कारणों से बस्ती वो उजड़ गई, फिर धीरे धीरे यहाँ लोगों ने मकान बनाया और ये बस्ती हो गई। बस्ती के बीच में फिर मंदिर आ गया। ये देवी के नाम से मंदिर में, ये देवी के नाम से मंदिर जाना जाता है। ये सारे मंदिर अभी ये बौद्ध धर्म के जमाने का बना हुआ, बौद्ध धर्म के समय का बना हुआ मंदिर है। एक भी रिपेयरिंग नहीं हुई। एक बार खड़े हुई आप यहाँ पे, आप दोनों जने खड़े हो जाओ। धार्मिक मिनिस्टर कोई मिल जाए। अच्छा, लाइट आ गई होगी। ये जो आप देख रहे हैं बहुत ही प्राचीन मंदिर है जिसका अभी तक कोई इतिहास नहीं है कि ये कब से है। यहाँ के जो भी लोग हैं, यहाँ के रहने वाले, वो सब यही बताते हैं